नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। तंत्र मंत्र से पाप नहीं धुलते, नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सीतामढ़ी की चुनावी सभा में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार विकास बनाम विनाश की लड़ाई है और अब फैसला जनता को करना है। लगातार तीसरे दिन चुनाव प्रचार करने आए मोदी ने यहां राजग उम्मीदवारों के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि लोगों को अपनी समस्याओं से मुक्त होना है तो उसके लिए एक ही जड़ी बूटी काम आएगी और उस जड़ी बूटी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि विकास है। उन्होंने कहा कि राजग जहां विकास के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता तंत्र मंत्र का खेल खेल रहे हैं। तंत्र मंत्र से पाप नहीं धुल सकते। शौरी को मंत्री नहीं बन पाने का दर्द, भाजपा का पलटवार। भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी द्वारा मोदी सरकार पर हमला बोलने की कड़ी आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि उनकी बातों में सरकार में जगह नहीं पाने का दर्द झलकता है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार में जगह न पाने का दर्द उनकी बातों से साफ झलक रहा है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भी कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत की अब तक की सबसे मजबूत सरकार है। हार्दिक पटेल को हाई कोर्ट का झटका। पाटीदार समुदाय को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर विवादास्पद आंदोलन चला रहे संगठन पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल को गुजरात हाई कोर्ट ने झटका दिया है। अदालत ने पटेल के खिलाफ सूरत में पुलिस की ओर से दर्ज राजद्रोह के मामले को रद्द करने से मंगलवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत दायर मामला प्रथम दृष्टया सही है। हालांकि न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला की अदालत ने सूरत पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मकरंद चौहान की ओर से अमरोली पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी से धारा 153A, 505(2) तथा 506 को हटाने के आदेश भी दिए। कंडक्टर की शर्मनाक हरकत, भरी बस में महिला को निर्वस्त्र कर तलाशी ली। मध्यप्रदेश के सिंगरौली में चलती बस में एक कंडक्टर का महिला को निर्वस्त्र कर तलाशी लेने का शर्मनाक मामला सामने आया है। जिस समय यह घटना हुई उस समय बस यात्रियों से भरी हुई थी। घटना नवा नगर के पास की है। पीड़ित महिला अपने 1 साल के बच्चे के साथ बस में बैढ़न से जयंत जाने के लिए चढ़ी थी। इसी बीच 2200 रुपए की चोरी हो जाने की घटना हुई, जिस पर कंडक्टर ने महिला पर शक जाहिर किया। महिला अपने आप को बेगुनाह बताती रही, लेकिन कंडक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी और तलाशी के नाम पर महिला को कपड़े उतारने को कहा। बीफ पर विवाद, दिल्ली पुलिस का केरल भवन पर छापा। देशभर में बीफ पर मचे बवाल के बीच राजधानी दिल्ली के केरल भवन में गोमांस परोसने की अफवाह से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस कॉल आने के बाद हरकत में आ गई और केरल भवन पहुंची। जांच के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कैंटीन के मेन्यू से बीफ करी का ऑप्शन हटा दिया है। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने पुलिस की कार्यवाही को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मनमानी कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चांडी का समर्थन किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।